हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है गॉल ब्लैडर एडेनोमायोमेटोसिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर गॉल ब्लैडर एडेनोमायोमेटोसिस क्या होता है? तो ये कंडीशन है जिसमें गॉल ब्लैडर की जो वॉल्स है वहाँ पे हाइपरट्रोफी हो जाती है, उसका साइज़ बढ़ने लग जाता है और गॉल ब्लैडर की जो वॉल्स है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होने लग जाती है। ये कंडीशन ज़्यादातर उन्हीं लोगों में देखी जाती है जिनको ऑलरेडी गॉल ब्लैडर स्टोन हो चुका है या फिर जिन्हें गॉल ब्लैडर में पहले इन्फ्लामेशन रह चुकी है और बार बार क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होने की वजह से इनके गॉल ब्लैडर का जो वॉल है उसका साइज़ बढ़ने लग जाता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर एडेनोमायोमेटोसिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पर्सन को कोई भी सिम्टम नहीं आता है, ये बीमारी एक्सीडेंटली डायग्नोस हो जाती है। जैसे कि अगर किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है या फिर उन्हें बार बार इन्फ्लामेशन हो रही है, तो जब भी आप चेकअप कराते हैं तो उसके बाद एक्सीडेंटली ये पता चलता है कि आपको एडेनोमायोमेटोसिस हो चुका है। लेकिन अगर किसी पर्सन को सिम्टम आते हैं तो उन्हें वॉमिटिंग हो सकती है, नौजिया हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है और इन्हें राइट साइडेड एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन होती है। इन लोगों में फैटी फूड को लेके इंटॉलरेंस भी देखा जाता है। अगर किसी पर्सन को ये कंडीशन होती है तो वो ईजिली फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर एडेनोमायोमेटोसिस होने का। तो अब तक इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, इसका कॉज अननोन है। लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी गॉल स्टोन हो चुका है तो ऐसे लोगों में ये कंडीशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर अगर किसी पर्सन को बार बार गॉल ब्लैडर में कोई इन्फ्लामेशन हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके वजह से पर्सन को ये कंडीशन इन फ्यूचर हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रेफिनस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कार्बोवेज 30 या फिर आप नेट्रम फोर्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आप 4-4 ड्रॉप डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर ले सकते हैं दिन में 2 बार। सो फ्रेंड्स, ये था गॉल ब्लैडर एडेनोमायोमेटोसिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।